नोएडा के फेमस ट्विंस टावर जमीदोज। ब्लास्ट कर कुछ सेकंड में ढहाए गए दोनों ट्विन टावर्स। ट्विन टावर्स गिराए जाने से सुपरटेक को 500 करोड़ का नुकसान। नोएडा के ट्विन टावर्स ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। आज यानी 28 अगस्त को नोएडा की इस फेमस इमारत को गिरा दिया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे ट्विन टावर्स को विस्फोट कर जमीदोज कर दिया गया। 32 मंजिला ये इमारत अनुमान के मुताबिक करीब 9 से 10 सेकंड के समय में गिर गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। 300 करोड़ की लागत में बने इन ट्विन टावर्स को जमीन पर ढेर होते सारे देश ने देखा। इन ट्विन टावर्स को रियल्टी फर्म सुपरटेक लिमिटेड ने बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दोनों टावर्स को गिरा दिया गया। ट्विन टावर्स के ढहाए जाने से रियल्टी फर्म सुपरटेक लिमिटेड को करीब 500 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया गया है। सुपरटेक लिमिटेड के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा स्थित ट्विन टावर इमारत को गिराए जाने से कंपनी को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अरोड़ा ने कहा कि इस इमारत को ढहाए जाने से उसके निर्माण पर आई लागत और कर्ज पर देय ब्याज के रूप में कंपनी को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा हमें इन टावर में फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों को भी 12% की दर से ब्याज देना पड़ा है। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों टावर को विस्फोटक लगाकर ढहाए जाने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी को सुपरटेक 17.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है। अरोड़ा ने कहा कि अदालत ने भले ही इन टावर को गिराने का आदेश दिया, लेकिन सुपरटेक ने नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से स्वीकृति भवन योजना के अनुरूप ही इनका निर्माण किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर्स के निर्माण में स्थापित मानकों का उल्लंघन माना था। कोर्ट ने 100 मीटर ऊंची आवासीय इमारत के निर्माण को गैरकानूनी बताते हुए इसे विस्फोटक का इस्तेमाल कर गिराए जाने का आदेश दिया था। उसी आदेश का पालन करते हुए रविवार को दोपहर करीब 2:30 बजे इस इमारत के दोनों टावर विध्वंसक लगाकर महज कुछ सेकंड में धराशायी कर दिए गए।